सो हे मेरे प्यारे ट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और दुनिया में दो तरह के बंदे होते हैं ना, लूजर्स और विनर्स। हर एक विनर पहले लूजर होता है, देन जो एक चीज़ उसे ग्रेट बनाती है, विनर बनाती है, लोगों से डिफरेंट करती है, वो होता है डिसिप्लिन, है ना। दैट्स वाई इस वीडियो का टाइटल भी वही है, विनर नीड्स डिसिप्लिन नॉट मोटिवेशन, है ना। और हर एक फ्राइडे को हम कुछ स्पेशल रखा करेंगे, एक मोटिवेशनल वीडियो टाइप बनाया करेंगे, ताकि जितनी भी अपनी ऑडियंस है अपने काम के ऊपर फोकस्ड रहे, अपने गोल्स को अचीव कर पाए, क्योंकि ये सबसे मेन बात है ना। हर कोई ट्रिक्स टिप्स के ऊपर बात करता रहेगा, लेकिन जो रियल में बात है ना, नॉलेज जो हर किसी के पास पहुंचना चाहिए, ताकि दिमाग का विकास हो तो सारी चीज़ें आगे ग्रो करेंगी, है ना। और पर्सनली बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो ये लाइन है, विनर नीड्स डिसिप्लिन नॉट मोटिवेशन, है ना। मोटिवेशन जस्ट टाइप कि किसी ने हमने किसी का वीडियो देखा, हाँ जी, जैसे सोने से पहले, है ना, शाम को सोने से पहले मोटिवेशनल सा वीडियो देख लिया, संदीप महेश्वरी सर का देख लिया, किसी का भी देख लिया, कि मुझे मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, पढ़ाई करनी है, ग्राउंड जाना है, दौड़ना है, लेकिन सुबह ठस कोई नहीं उठ पाता, सुबह देखने टाइम तो 10-11 बज रहे हैं ना। तो ये वही चीज़ है, जो एक डिसिप्लिन है वो ही आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। एग्जाम्पल बताऊँगा अभी प्रैक्टिकली, है ना, खुद के साथ, कि मैंने जैसे जो हमारा एक यूट्यूब चैनल है ये वाला, ये मैंने मई 16 को इस पर फर्स्ट वीडियो डाला 2020 में, है ना। तो ये मोनेटाइज हुआ था 10 नवंबर के आसपास, 10 नवंबर, एक तो दिन ऊपर आगे हो सकते हैं ना, 2020 को अप्रॉक्स लगे थे 5-6 महीने, 1 रुपये तक भी चैनल से नहीं आया, क्योंकि जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होगा यूट्यूब रिवेन्यू नहीं आएगा। अलग तरीके से करें वो अलग बात है, कि सेलिंग कर ली, प्रमोशन कर ली, देन वो, लेकिन स्टार्टिंग में व्यूज़ भी कहाँ होते हैं कि प्रमोशन के लिए कोई आपको कॉल करे, है ना, 50-100 पे नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे जब आपके व्यूज़ 1000 के आसपास आते हैं तो नॉर्मली 1-2 हज़ार पे वाली स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाती हैं, ना। तो 6 महीने कुछ नहीं आया, लेकिन जो एक चीज़ थी वो आज तक मुझे काम में आ रही, वो है डिसिप्लिन। 16 मई 2020 से लेकर आज 21 जनवरी 2022 तक हर दिन मैं वीडियो डाल रहा हूँ, चाहे वो शॉर्ट वीडियो से, चाहे एक नॉर्मल वीडियो की लेंथ है, लेकिन मैं उस चीज़ को कंटिन्यूस कर रहा हूँ। दैट्स वाई एक एग्जाम्पल है ना। मेरे लिए बहुत कुछ है कि मुझे कई बार खुद भरोसा नहीं होता कि इतनी कंसिस्टेंसी मैं कैसे बना के रखता हूँ। कई बार मैं शादियों में गया होता हूँ, कहीं बाहर होता हूँ, फिर भी मैं ट्रैवल करता हूँ, फिर भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ करना अच्छी लगती है। और यही चीज़ होती है ना, बोलते हैं कि आप हमेशा उसी चीज़ को करो जो आप जिसमें पैशनेट हैं, है ना, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्योंकि जो चीज़ अच्छी लगेगी उसको रोज़ करने का मन करेगा, एक दूसरे को देख के किया होगा, जैसे आप कर रहे हैं ना, हर कोई ब्लॉगिंग चैनल बना रहा है ना, क्योंकि जस्ट लाइक सौरभ जोशी ब्लॉग्स, उनकी लाइफ स्टाइल देख रहे हैं ना सौरभ जोशी की, कि उसने गाड़ी ले ली, ये सारी चीज़ें ले ली, हम अगर ब्लॉगिंग करेंगे तो हमें भी सेम एज इट इज़ वैसे चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो मतलब वो एक दूसरे को देख रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं कि यूट्यूब पे आपके ड्रीम्स जो आप सोचते हैं उससे कई हज़ार गुना पूरे हो सकते हैं, एक सेट भी कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ वहाँ से कह लेंगे मोटिवेशन कि हाँ जी वो कर रहा है, तो भाई मैंने भी गाड़ी लेनी, मम्मी मैं भी यूट्यूबर बनना है, कैमरा उठाया और चल पड़े फ़ोन लेके ही, है ना, अच्छी बात है। लेकिन आपको एक डिसिप्लिन रखना है खुद के साथ कि हाँ यार मुझे वीडियो डालना है, व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आने तो है ही है यार, यूट्यूब की थोड़ी दुश्मनी है, थोड़ा टाइम लगता है। मैं जितना एवरेज सच कहूँ, मैंने जितने भी चैनल देखे ना, अगर बंदे एवरेज 1 साल के आसपास कंटिन्यूस मेहनत करते हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड में अच्छे से, देन उनका चैनल अच्छे से, बहुत अच्छे से ग्रो होता ही होता है, जितना मैंने देखा है। कईयों का बहुत जल्दी भी हो जाता है, कईयों का लेट भी होता है, लेकिन जो चीज़ मैंने देखी है कि जो बंदा अच्छे से मेहनत करता है किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, है ना। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है या डिसिप्लिन की, क्योंकि जो बंदा डिसिप्लिन रहता है ना, शुरू में मुझे कुछ नहीं था पता यूट्यूब से कितनी अर्निंग हो पाएगी, क्या सारी चीज़ें हो पाएंगी, लेकिन डिसिप्लिन था कि मुझे पता यार कोई ना कोई रास्ता दिखेगा। और जब आप कंटिन्यूस किसी चीज़ को करते रहोगे ना, तो 1000 रास्ते दिखते हैं। अब तो इतने रास्ते दिखते हैं, मैं सोचता हूँ भाई थोड़ी रेस्ट मिल जाए, क्योंकि इतने फ़ोन कॉल सारी चीज़ें हैं ना, अच्छा भी लगता है, और मेहनत की है ना पहले, अभी थोड़ा ढीला भी रहता हूँ, लेकिन जो पहले की मेहनत है, जो पहले का डिसिप्लिन खुद के साथ रखा था, वो आज मुझे खुद हेल्प करता है मैं एक बेटर लाइफस्टाइल जीने के लिए, है ना। तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि एक विनर बने, जो भी अपने ड्रीम्स हैं ना यार, उसके लिए ना सब कुछ डेडिकेट करते हैं, एवरीथिंग, है ना, कोई एक चीज़ नहीं मिलूँ, एवरीथिंग, टाइम, डेडिकेशन, जो एक चीज़ लगती है हर एक चीज़ उसके लिए पैशनेट करो, क्योंकि एक जज्बा जो होता है ना, जुनून, वो देखना चाहिए, है ना। इसी तरह से लाइफ सबकी जा रही है,
तो अपने पैशन को एक डिसिप्लिन के साथ अच्छे से आगे हमेशा करते रहें, ताकि आप लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें अचीव करें और एक बेटर लाइफस्टाइल आप जी सकें, जो एक आपकी ड्रीम लाइफस्टाइल है ना। और हमेशा अपने ड्रीम बड़े रखने हैं, हालात कैसे भी हैं अभी मुझे पता, जब हालात बुरे होते हैं तब दिमाग में कुछ नहीं आता, लेकिन जो एक सपना है ना उसको हमेशा रखे रखना है अपने दिमाग में, और खुद आपको रास्ते दिखेंगे आगे। अगर आपके दिमाग में वो चीज़ है ना तो भगवान खुद आपको रास्ता दिखाएगा और आप हर एक चीज़ अचीव करेंगे अपने लाइफ में, है ना। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, बिलीव इन योर ड्रीम्स, खुद पे और खुद के सपनों पे भरोसा रखो। पीस। विनर नीड डिसिप्लिन नॉट मोटिवेशन, कीप रिमेंबर। Like a Hellcat.